मैं थार लवर हूँ, तो मेरी पहली प्रेफरेंस थी थार। या तो मैं ड्राइवर अच्छी हूँ या ये गाड़ी अच्छी है। सनरूफ का मेरा मूड नहीं है, अच्छा। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे सेफ नहीं लगती वो। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, और अनुभा जी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। कैसे थैंक अनुभा जी? यू। मैं अच्छी हूँ, आप बढ़िया बताइए। हो आप? हाँ जी। और क्या है ये चलाती हैं, किया सेल्टॉस का बेस मॉडल जब सेल्टॉस लॉन्च हुई थी इंडिया में ना, तब उस टाइम हमने तो उसके 5-6 महीने बाद इन्होंने खरीद लिया था ये बेस वेरियंट। तो ये चलाकर इसे कितना खुश हैं, यहीं से सवाल करने वाला हूँ। सबसे पहले पूछते हैं कितने की पड़ी थी आपको ये? ये अप्रोक्स 12 साढ़े 12 की। 12.5 के हाँ आसपास जी। पड़ी। कितने किलोमीटर चला चुके हो? 26,000। 26,000 किलोमीटर चला चुके हैं। इन्होंने अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, या इसमें कुछ एसेसरीज के तौर पर लगवाया है, और अभी तक कैसी जर्नी रही है इनकी इस किया सेल्टॉस के बेस वेरिएंट के साथ में, सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में। रेडियो मैम, यस, आइए आप इधर आइए, चलाएं, मैं आपके साथ बैठता हूँ। अनुभा जी के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ जो कि सेल्टॉस का बेस वेरिएंट है। तो जब आप इसे खरीदने के लिए निकले थे मैम, तो और क्या क्या देख रहे थे? एक्चुअली मैं थार लवर हूँ, तो मेरी पहली प्रेफरेंस थी थार। अच्छा। बट बच्चों के साथ, और मोस्टली मेरी ड्राइव बाहर की ही रहती है, तो वो सबने सजेशन दिया कि नहीं, ये सेकेंड कार हो सकती है बट फर्स्ट कार नहीं हो सकती। अच्छा। तो थार के बाद मैं एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रही थी जो मेरी थार की जरूरतों को पूरी कर सके। अच्छा। एक्चुअली मुझे ड्राइव का पैशन है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने MG एक्टर को देखा जब MG एक्टर लॉन्च हुई। उसको देखने के बाद मैंने वेट किया सेल्टॉस का, मतलब तो अच्छा। मैंने सुना था कि जो सेल्टॉस आ रही है किया की, वो अच्छी गाड़ी आ रही है, तो मैंने इसका वेट किया। 19 अक्टूबर को 2019 में ये लॉन्च हुई। उसके बाद मैंने टेस्ट ड्राइव ली MG एक्टर और किया सेल्टॉस की, लेकिन उस टाइम उसमें MG एक्टर में थोड़ी सी शिकायत आ रही थी क्योंकि ये फुली इंटरनेट कार थी, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, इससे ज़्यादा बेटर है सेल्टॉस। अच्छा। तो जब मैंने सेल्टॉस को देखा तो मुझे सेल्टॉस ज़्यादा बेटर लगी, और कहीं ना कहीं मेरा ये डिसीजन बेस्ट रहा। मैं अपनी गाड़ी से बहुत खुश हूँ। अच्छा। बहुत। पहले ही आपने बता दिया आप बहुत खुश हो। हाँ जी। बेस वेरिएंट क्यों खरीदा? बेस एक्चुअली इसलिए खरीदा कि फर्स्ट कार थी, भाई ने भी सजेस्ट किया कि आप देख लो इसको चला के, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर जरूरत होगी तो आप चेंज कर लेना, इसको अपग्रेड कर लेना। तो आपको बेस वेरिएंट में वो सारी चीजें मिल गई जो आपको चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपने कनेक्टेड कार की बात की तो उसमें तो सब कुछ। हाँ, नहीं नहीं, इसमें सब कुछ है, मतलब आपको जो भी बेसिक चाहिए गाड़ी के अंदर वो सब कुछ अच्छा है। सेफ्टी वाइज भी बहुत सारी चीजें हैं आपका, मतलब आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिला, आपको यू कनेक्ट नहीं मिला जो कि आता है जिसके लिए आप इसे खरीद रहे थे। हाँ जी। तो आपने इसे क्यों चूज किया? अब बस पता नहीं, मैंने जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली, मेरे को इसका पिकअप वगैरह सब इतना अच्छा लगा। हाँ। कि मेरे को लगा कि हाँ, जहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ तो मैं कर लूँ। जैसे आप ना अपर वेरिएंट पे थोड़ा जा सकते थे। हाँ, अपर वेरिएंट में एक्चुअली इसलिए मुझे लगता है आपने मिस किया वो। हाँ, वो मैंने मिस किया है, वो मैंने भाई और हस्बैंड के कहने से मिस कर दिया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खलता क्योंकि अगर मैं भी चाहूंगी इसको तो मैं अपडेटेड कर सकती हूँ। ठीक है। और ये था कि भाई पहली कार है, पता नहीं कैसा रिस्पांस रहेगा, क्या रहेगा, तो उन सारी चीजों को देख के मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा पैसे डालना वर्थ इट नहीं है। ठीक है। तो आपने इसमें क्या क्या चीजें लगवाई हैं अलग से? जैसे मैं IRBM देख रहा हूँ, ये आपने डलवाया है। हाँ, मैंने एक्चुअली बस बैक कैमरा इसमें डलवाया है और लेग गार्ड लगवाया है पीछे बस। हाँ जी, सीट कवर्स लगते ही लगते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगवाया हो। 2 साल में कम चली है, जितना मेरा बाहर जाना रहता है मोस्टली उस हिसाब से बहुत कम चली है मेरी गाड़ी। अच्छा। तो आप कहाँ जाते हो बाहर? कैसे बाहर? एक्चुअली मेरा मायका है बरेली। अच्छा, बरेली से ड्राइव करके आप खुद जाते हो? हाँ, 280 किलोमीटर अराउंड पड़ता है मेरे को, तो मैं खुद ड्राइव करती हूँ, हस्बैंड ड्राइव नहीं करते। तो आपको हाईवे पर परफॉर्मेंस इसका कैसे है? बहुत अच्छी है, मतलब लिटरली बहुत अच्छी है। ओवरटेकिंग वगैरह करते हो? ओवरटेकिंग सुपर्ब, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि या तो मैं ड्राइवर अच्छी हूँ या ये गाड़ी अच्छी है। अच्छा, तो अभी तक समझ नहीं पाए, गाड़ी से पूछते हो बताओ। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी पूरा साथ देती है मेरी। अच्छा। मेरा मतलब कि भाई पिकअप बहुत हाई है। हाँ। ठीक है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, मतलब ब्रेक्स वगैरह अच्छे से आ जाते हैं। हाँ, मोस्टली वन हैंड ड्राइव करती हूँ मैं, तो ग्रिप बहुत अच्छी आती है, मतलब कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। सर्विस वगैरह करवाया होगा? हाँ जी, सर्विस मेरी। कितनी सर्विस हो गई? सर्विस इसकी 4 हो चुकी है। 4?
हाँ जी। तो इसमें तो कुछ फ्री रही होगी और बाकी हाँ, अभी? तीन सर्विस फ्री थी। तो क्या खर्चा क्या आता है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। खर्चा जेन्युइन ही है, मतलब जैसे आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा आता है या कुछ भी है। मतलब मैं हर तरीके से सेटिस्फाइड हूँ अपनी गाड़ी से। अच्छा, हर तरीके से? हर तरीके से। मतलब मेरे सवाल करने से पहले आप बोलते हो सैटिस्फाइड? हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं, मेरे साथ जो बैठता है वो कहता है यार गाड़ी अच्छी है। अच्छा, ये ना खरीद, चलो ठीक है, आप इसे सैटिस्फाइड हो। अगर ये ना खरीदते तो आपके जहन में क्रेटा आई थी या नहीं? नहीं, क्रेटा एक्चुअली मेरे फादर के पास है। अच्छा। हाँ, फादर के पास है, भाई ने भी XUV 700 ली है। चलिए, उसका एक्सीडेंट हो गया था मार्च में। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। तो क्रेटा बड़े वाले भाई के पास भी है, ताऊजी का बेटा है, तो क्रेटा नहीं आई मेरे मूड में। पापा ने बहुत कहा कि चलो क्रेटा आज ही बुक करने चलते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। मुझे एक्चुअली थार से कोई नहीं हटा पाया सेल्टॉस के अलावा। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब सेल्टॉस ने आपका दिल जीत लिया। हाँ। तो जब आप सिटी में चलाते हैं, सिटी ड्राइविंग में कैसा रहता है परफॉर्मेंस, खास करके बम्पर टू बम्पर, और आप जो है मैनुअल ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं तो? नहीं, अच्छा है एक्चुअली। मैनुअल मेरे को इसलिए पसंद है कि जो आपका ऑटोमेटिक है वो आपका लोकल में तो अच्छी है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, तो मैनुअल ज्यादा अच्छा है। प्लस इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है। मैंने दो शादियों की शॉपिंग इसी से कर डाली। अच्छा, दो शादियां निपटा दिया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। दोनों भाइयों की शादी की शॉपिंग मैंने इसी से की है। इनफेक्ट जो बड़े भाई की शादी भी की थी दिसंबर में, तो उसकी शॉपिंग हमने की है लुधियाना से। अच्छा। तो लुधियाना में खुद लेके गई थी, आगे अमृतसर गए थे। में तो बहुत कुछ चलता है, तो सब भर के गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी। सीट फोल्ड करके? हाँ जी, सीट फोल्ड करने की नीड नहीं थी एक्चुअली। हाँ। सामान आ गया और मेरे पास पैसेंजर्स भी काफी थे। अच्छा। मैं, मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड, देवर, उनके दोनों बच्चे और उनकी वाइफ। ओके। इतने पैसेंजर्स थे और सामान था आधी से ज्यादा शादी का। अच्छा, तो मतलब काम, कपड़े वपड़े? हाँ जी, हो गया पूरा इससे। बिल्कुल। एसी की अगर कंफर्ट की बात करें तो कितने कूल रहते हो आप, जब लगता है कि भैया कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि मैं बैठा हूं तो मुझे तो भी सही लग रहा है। नहीं, एक्चुअली मेरे को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। हाँ? बहुत ज्यादा। तो मेरे को तो ठीक लगता है कि अपना थोड़ा हाई पे चलाए फिर लोग। हाँ बिल्कुल, सब चीज बहुत परफेक्ट है। अब मुझे नहीं पता कि वीडियो देखने के बाद लोग क्या रिव्यूज देंगे, क्या कमेंट्स देंगे। नहीं, नहीं, लेकिन मैं, हाँ, लेकिन मैं आपकी बात सुन के, आपको देखकर उनको लगेगा कि हाँ चलो कोई आया था। हाँ, बुलंद आवाज यहाँ पर प्रकट करके गया है। नहीं नहीं, मैं सेल्टॉस से बहुत खुश हूँ। सेल्टॉस से आप बहुत खुश? आपने ये क्यों चेंज नहीं करवाया इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम? आपको लगता है कि परफेक्ट है आपके लिए? हाँ, मेरे लिए परफेक्ट है। मेरे को इतना ज्यादा कुछ नहीं भाई, अच्छा खासा साउंड है, म्यूजिक सिस्टम ठीक है, तो इतना ज्यादा मेरे को कुछ नहीं लगता कि भाई मुझे कुछ चेंज कराना चाहिए, बेकार मैं इसमें छेड़छाड़ करवाऊँ। हाँ। अगर मेरे को लगता है कि भाई मुझे इसमें कुछ चीजें अपग्रेडेड चाहिए, तो मैं इसको सेल आउट करके दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो आप बोल रहे हो बार-बार सेल आउट, आपको ये पसंद भी है तो बेच दोगी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसी वजह से नहीं बेच रही हूँ। अभी कैरेंस आई है किया की। हाँ? मेरे को वो बहुत पसंद आई। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार है, इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी, वो मैंने सेकंड हैंड ली थी। हाँ, मैंने पूछा ही नहीं था। चलो अच्छा, लेकिन ये मेरी फर्स्ट कार है और मैं मतलब ये सोची कि मुझे बहुत प्यार है अपनी गाड़ी से। अच्छा, सबने सुन लिया इतना कुछ कि आप इतना चलाते हो, पागल हो, शादियां करवा डाली आपने। लेकिन एक चीज बताइए और मुझे सवाल करना, करते क्या हो आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, तो हाउसवाइफ में इतना स्कोप मतलब मिल जाता है कि आप गाड़ी मेंटेन करो? बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। वो जो बैठा हुआ है जॉब कर रहा है उसके? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड देखिए, हस्बैंड के सपोर्ट के बिना या फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। और इस चीज में मैं थोड़ा बहुत ज्यादा लकी हूँ। अपनी एक सीरीज है वीमेन ऑन व्हील। हाँ जी। अब आप जो है एक दबंग टाइप की महिला दिख रही हैं। तो आपको अब लगता है कि कोई डरने की जरूरत है सड़क पर, या आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया वीमेन ड्राइवर भी अच्छा ड्राइव करती है? नहीं नहीं, लोग एक्चुअली जैसे दिल्ली का आप देखेंगे तो दिल्ली की लेडीज से थोड़ा डरते हैं लोग। अच्छा। आप यूपी की साइड जाएंगे तो लोग कहेंगे कि यार अरे महिला ड्राइवर है, थोड़ा बच के चलना। अच्छा। लेकिन अभी मैं जैसे ड्राइव करती हूँ, तो मैं 24 पे ड्राइव करती हूँ, तो उसमें क्या है कि लोग देखते हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे लेडीज काम कर रही हैं, इनफैक्ट टोल प्लाजा पे लेडीज ज्वाइन तो कर रही हैं वर्क, लेकिन उनको क्या लगता है कि लेडी ड्राइव कर रही है हाईवे पे, तो थोड़ा पलट पलट के देखते हैं। अच्छा। और जैसे अगर मैं चल रही होती हूँ तो मोस्टली क्या होता है कि जेंट्स को लगता है कि बगल में लेडी है, तो वो थोड़ा रेसिंग के मूड में आ जाते हैं। अच्छा, तो आप करते हो रेस? हाँ, मतलब अपना सेफ रह के रेस में करती हूँ और जीत जाते हो? हाँ, मैं नहीं निकल मतलब रही। अच्छा, वो वाली जब जीत होती है तो कहाँ से मतलब खुशी किस चीज को मिलती है? मुझे को मिलती है, हस्बैंड तो इनफेक्ट कहते हैं कि यार अपना सेफ चलो, क्या कर रहे हो, कोई कर रहा है करने दो,
कहा नहीं यार उसका मूड रेस लगाने का है तो बेचारे को दिखा देते हैं। दिखा देते हैं तो दिखा देते हो। हाँ मतलब अभी कोई गाड़ी ऐसी नहीं है, चाहे वो फॉर्च्यूनर रही हो, चाहे वो एंडेवर रही हो, चाहे वो बीएमडब्ल्यू रही हो, कि जिसे मैंने आगे निकलने दिया हो। बहुत बढ़िया। तो आप जो है इस गाड़ी से बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे चीज बताइए, जब आप इसे सर्विस करवाने लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनका बिहेवियर कैसा होता है? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरी सारी सर्विसेज जो है एक आधी सर्विस मैंने यहाँ गाजियाबाद कराई है, लेकिन मोस्टली सर्विस मेरी सारी बरेली होते हैं। अच्छा, आपने पेट्रोल क्यों नहीं लिया था? पेट्रोल नहीं लिया, एक्चुअली बहुत से लोगों को दिक्कत होती है और डीजल कार मेरे को ज्यादा बेस्ट लगती है, क्योंकि पिकअप के मामले में इसका इंजन कहीं ना कहीं से आपको जो रिफाइनमेंट लगेगा, मतलब कोई महसूस अंदर बैठ के बहुत कम लोग केबिन नॉइस जो है, अगर इंजन की आवाज से कोई किसी को पहचानना हो तो शायद नहीं बता पाएगा डीजल है पेट्रोल। हाँ जी हाँ जी। तो केबिन इंसुलेशन कैसा लगता है आपको? बढ़िया एकदम। बढ़िया है, दुरुस्त है। तो आप जो है डीजल ही पसंद करते हो, फिर डीजल ही आप खरीदोगे? हाँ जी। तो ये थी अनुभव मैम, बहुत बुलंदी से अपनी आवाज रख रही थी और बता रही थी कि ये किस तरीके से रेसिंग करती हैं, सेल्टॉस इन्हें क्यों पसंद है, क्या छोड़ के इन्होंने सेल्टॉस खरीदा है और बेस वेरिएंट क्यों लिया। हालांकि इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं करें कर पाई, बट मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई कुछ चीज मिसिंग है या कुछ है। एक्चुअली मैं जितना आपको चाहिए था मिल गया। हाँ, जितना मेरे को, क्योंकि सनरूफ का मेरा मूड नहीं है। अच्छा, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे सेफ नहीं लगती नहीं, नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है। हाँ जी, वो बहुत दुरुस्त सोच है। हाँ, क्योंकि वो हिल एरिया के लिए ठीक है आपका, थोड़ी बहुत देर का, लेकिन ऐसे ठीक नहीं है तो मेरे को नहीं लगता। और बाकी ड्राइव का है कि मैं सबसे लंबी ड्राइव मैंने अभी अमृतसर की है, उसके बाद अभी हम देहरादून गए थे होली पे, तो मुझे कहीं भी हिल में या कहीं भी प्लेन में या कहीं ऑफ रोडिंग में भी बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता कि मैंने थार को मिस करके इसको लिया है। तो ये वो मैम है जिन्हें डीजल पसंद है, और ये वो मैम है जिन्हें ड्राइविंग पसंद है, और ये वो मैम है जो बहुत कुछ जीना जानती हैं और जी रही हैं, और ये रेसिंग भी करती हैं। तो फिलहाल ये छोड़ देते हैं, ठीक है? हाँ, आप लोगों को कमेंट करने देते हैं। तो क्या करिएगा भैया, कमेंट करके बताइए ये वाला वीडियो कैसे अच्छा लगा आपको। अच्छा मैंने ही बोल दिया, कैसा लगा ये बताइएगा। और कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जो आप बोलेंगे हम जरूर इम्प्रूव करेंगे। और कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू मैम।